जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, वैसे तो वो एक सरकारी अफसर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक राइटर भी हैं और उन्होंने मोस्टली काम किया है सूफीज़म पे। तो थोड़ा सा आज हम उनके उस सूफीज़म के जो काम हैं और जो उनकी जितनी रिसर्च है शुरू से लेकर अब तक की, उस पर आज हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सिलसिला चल रहा है सूफीज़म का, वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है और हमें क्या लगता है कि आगे और वो कितना चलेगा। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता नज़र साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं समरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अक्सर मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है और दिन ब दिन माशाल्लाह आप तरक्की करते जा रहे हैं। थैंक यू। और आपको देखकर बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होता है क्योंकि आप वाकई ऐसा लगती हैं कि जैसे ना बंदे के अंदर एक वो फ्रेशनेस आ जाती है किसी को देखकर, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। सो दैट्स गुड थिंग। थैंक यू। सही। अच्छा, आज हम थोड़ा सा सूफीज्म पे बात करेंगे क्योंकि जाहिर है आपका माशाल्लाह से उसके ऊपर बेपनाह काम है। आपने सूफीज्म को बहुत ही क्लोजली पढ़ा है, देखा है, जिया है एक तरह से। कोशिश की है जी। तो जरूर हमें ये बताइएगा कि अभी तक के हमारा जो सबसे पहले सूफीज्म है क्या, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज इट, उस इसको क्या इसके अंदर चीजें शामिल होती है, इसको किस तरह से हम अपने अंदर समा सकते हैं, क्या क्या इसमें आता है। समय अगर हम बच्चों की तरह इस पे शुरू करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सूफीज्म, तो सूफी मतलब सौफ, सौफ से निकला है। सौफ है ऊन, ऊन का लिबास पहनने वाले जो लोग थे उनको सूफी कहते थे। ओके। अब ये तो आम सी बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई, बट सूफीज्म क्या है या सूफिया कौन है? सूफिया वो है जो कि मुझे लगता है जो ज्यादा समझ लेते हैं और उनका उनका खुदा के साथ रिश्ता शायद बराह रास्त हो जाता है। अच्छा। और बीच में किसी मुल्ला या किसी और की जरूरत नहीं पड़ती और वो बराह रास्त। और दुनिया का निज़ाम भी इस तरह मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने इंसान बनाया और अल्लाह ने अपना और इंसान का रिश्ता बराह रास्त जोड़ दिया। और एक वक्त आया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हमारे और खुदा के दरमियान वो एक वसीला हुए। बिल्कुल। हमें राह रास्त दिखाई, सराते मुस्तकीम दिखाई और जिंदगी गुजारने के तरीका इख्तियार करने के लिए एक कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास एक जाब्ता हयात आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी गुजारने का पूरा निज़ाम सही हमारे पास आ गया। सही। SOPs आ गए और डायरेक्शन आ गई और सब कुछ आ गया, सब कुछ लिखा हुआ हमारे पास, सब कुछ आ गया। मगर अनफॉर्चुनेटली बीच में मुझे लगता है कई एतवार, और इसके लिए मजहब की कोई कैद नहीं है जी। किसी भी मजहब में ऐसे एतवार आते रहे कि मुख्तलिफ लोग जो है ना वो एक ठेकेदार बनते गए मजहब के, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उसका जरूरी नहीं है कि इस्लाम से ताल्लुक हो, अदरवाइज भी। लेकिन फिर वक्तन फक्तन जरूरत पड़ती रही है कि हमें लौट के सूफीज्म की तरफ जाना है। अब सूफीज्म की तरफ क्यों जाना है कि सूफीज्म एक वो सब्जेक्ट है या एक वो फिलॉसफी है जो इंसान का खुदा के साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ती है और उस्तवार रखती है, मजबूत रखती है, इंसान का इंसान से और इंसान का खुदा से। खुदा से। तो मेरे ख्याल से यही इम्पोर्टेंस है इस चीज की कि अगर हमारी जिंदगियों में और हमारे कल्चर के अंदर सूफीज्म को प्रमोट किया जाएगा तो मेरे ख्याल से हमारा खुदा ताला से जो है वो कनेक्टिविटी हमारी ज्यादा क्लोज और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब समरा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे द्वार ऐसे भी गुजरे हैं कि कहते हैं, हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उसने सूफीज्म पढ़ना शुरू किया है, सूफिया से सबक हासिल करना शुरू किया है, सूफिया से ही उसमें से उस मुश्किल से निकलने या उस भंवर में से निकलने का तरीकाकार सीखा है, तो वो है सूफीज्म का सबक। सही। तो इस वक्त भी जरूरत इस अमर की है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सूफिया के सबक को सीखें, सूफिया से हम पैगाम लें। किस बात का? ब्रदरहुड, हार्मनी, दोस्ती, इंसान, भाईचारा, ह्यूमैनिटी, इंसान और इंसानियत और इंसानियत के साथ सलूक, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ जो सलूक है उसके तरीकेकार और उसका सबक और प्यार मोहब्बत से जीना जो है वो सूफी आपको बताएगा। सही। तो पीसफुल लाइफ के लिए हमें यही सारा कुछ, पीस को क्रिएट करने के लिए। अब देखिये 9/11 के बाद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी।
9/11 का वाकई एक ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग इंतजार का शिकार हो गए इसलिए कि वो जोड़ा गया इस्लाम के साथ, अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इस्लाम का कसूरवार ठहराया गया, मुस्लिम को या मुसलमान को या इस्लाम को उसका कसूरवार ठहराया गया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दहशतगर्द दहशतगर्द है और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल कोई दीन कोई मजहब नहीं होता। तो वो एक दहशतगर्दी का एक हमला हुआ, लेकिन वो डाल दिया गया इस्लाम के ऊपर। फिर मुसलमानों को जरूरत पड़ी कि अब हम दोबारा सूफी को, सूफी में से अपने जीने का रास्ता ढूंढें, निकालें और इंसान का इंसान के साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ें, दोबारा से करीब हों एक दूसरे के। तो वो वक्त से लेके अब तक मैं समझती हूँ कि आज भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। पिछले दिनों एक खूबसूरत बात ये हुई, मैं तो हैरान ही होगी, टीवी ने जब ये बताया कि बेगम वजीर आजम साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने लाहौर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेट किया। मैं हैरान होगी, मुझे लगा इस सदी का सबसे बड़ा काम ये हो गया है। ये बहुत ही शानदार काम है और बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा काम है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म, समझा, मेरा एक ख्वाब है, मेरा ड्रीम है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे लगता है हमारे मुल्क में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म इन हार्मनी या इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रदरहुड इन हार्मनी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ हार्मनी, इस तरह का कुछ काम होना चाहिए, जिसमें हम आने वाली नस्लों को मजाहब के ऊपर पढ़ाएं। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। मैं अगर किसी भी दूसरे मजहब की कोई इल्हामी किताब पढ़ूंगी ना, तो वो सिर्फ अपना उससे सबक हासिल करने के लिए या उनके मजहब को समझने के लिए पढ़ूंगी, मेरे मजहब को खुदा ना खास्ता या मेरे दीन और ईमान के ऊपर कोई गुजर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल, मेरा ईमान इतना मजबूत है। बिल्कुल, मैं ईसाई के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ, मैं सिख के साथ बैठ के कल्चर के ऊपर बातें कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह, लेकिन जाहिर है वो अपना नजरिया, लेकिन मेरा अपना ईमान बड़ा मजबूत है। हमारे हमारे नबी आखिर जमान ने हमें जितना मजबूत ईमान दिया है और दीन दिया है, वो कभी नहीं हिल सकता, वो डगमगा भी नहीं सकता। सही। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम तमाम मजाहब को साथ लेके चलें। सही कह रही हैं। और उनके साथ उनके उनके मजहब को छेड़े नहीं और अपने मजहब को छेड़ने नहीं दें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जहां तक आपने इतनी रिसर्च की है, पढ़ा है, तो मुझे ये बताइएगा कि सब कॉन्टिनेंट का कितना हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सूफीज्म को आगे बढ़ाने में। सब कॉन्टिनेंट इतना ब्लेस्ड एरिया है पूरी वर्ल्ड में कि सबसे बड़ा सूफिया का जो असासा है वो सब कॉन्टिनेंट में बरेसगीर में है। आप और उसमें से भी आपको खूबसूरत बात ये लगेगी कि उसमें से भी सब कॉन्टिनेंट में भी जब पाकिस्तान बना है तो सूफिया की जो बड़ी मशाहीर की तादाद है वो यहाँ पाई जाती है। नो डाउट वहाँ भी है, इंडिया जो कट के हो गया तो उसमें भी सूफिया बड़े बड़े आलमी दीन हैं और जिनसे हम सबक सीखते रहे हैं, हमारे बड़े सबक सीखते रहे हैं। मगर जो पाकिस्तान है इसमें सबसे बड़ा सूफिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज हों, हज़रत दाता साहब हों, बाबा बुल्ले शाह हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद हैं राजनपुर वाले, कोट मिठन वाले, या वारिस शाह हैं और वो सारे सुल्तान बाहू हैं। ये सारा असासा तो ननकाना साहब में हमारे गुरु नानक साहब, ये है सिखी मजहब के सरबरा, मगर देखे वो हमारा असासा है, वो ननकाना साहब पे बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया से सिख जो है वो वहां देखने के लिए ननकाना साहब आता है। तो एक लिहाज से वो हमारे भी बड़े हैं, बिल्कुल हमें भी उनकी इज्जत करनी है और उनके मजहब की भी इज्जत करनी है। तो ये सबसे बड़ा एहसास है। और ये देखो दाता साहब हैं या सारे बुजुर्ग हैं, इनके दरबारों के ऊपर सलाम करने फातिहा के लिए अगर आप वहां से गुजर हो आपको, तो आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये कोई हिंदू अंदर गया हुआ है या ईसाई अंदर गया हुआ है या मुसलमान अंदर गया हुआ है या सिख अंदर गया हुआ है सलाम करने और फातिहा पढ़ने, क्योंकि उनको बहसियत एक सूफी बुजुर्ग के माना जा रहा है। और सब वही एक काम करने आए हैं, किसी एक के जहन में कोई और दूसरी कोई बात दूसरी नहीं राय नहीं है। मैंने रहमान बाबा के ऊपर काम किया, मस्तवकली के ऊपर काम किया, ननकाना साहब वाले बाबा गुरु नानक साहब के ऊपर काम किया, अपनों पे तो किया ही पढ़ाई। और मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी कि तमाम मजहब के तमाम सूफिया ने सबक एक ही दिया है, मुखातब इंसान को किया है और उसका रिश्ता प्यार मोहब्बत अमन भाईचारे और दोस्ती के साथ जोड़ा है।
सही, उन्होंने तफरीक खत्म कर दी है, उन्होंने इंसान का इंसान से रिश्ता जोड़ा है और इंसान को खुदा के साथ जोड़ा है। सही, मतलब इसका ये मतलब है कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, लेकिन जो जितने भी दीनी एतबार के लोग हैं उनका सबका काम यही है इंसान को राह रास्त पे रखना और इंसान को इंसान से जोड़ना और इंसान को खुदा के साथ जोड़े रखना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो कनेक्टिविटी हमने खुदा के साथ इसकी बात करी सूफीज्म की। सूफीज्म का लिटरेचर अदब के साथ क्या ताल्लुक है, इसके बारे में भी बताएं। देखो, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में भी जरा शराय तालीम कम थी तो कहा जाता था, मेरा चूंकि PhD भी इसी के ऊपर है तो उस पर मैंने पढ़ के और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके पंजाब के खास तौर पर लोगों के हवाले से और सिंध में मैंने देखा कि अगर आपके घर में बच्चियों को, आपको पता है पुराने वक्तों में तालीम की तरफ कम रुझान होता था, ख्वातीन बच्चियों के लिए कि घर में बैठ जाएं, कुरान पाक पढ़ लें या कुछ पढ़ लें, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बहुत बेहतर हैं, अब बच्चियों की तालीम की तरफ वालदैन भी और हुकूमतें भी तवज्जो दे रही हैं। बट एक वक्त था कि अगर कहा जाता था कि बच्ची को कुरान पाक पढ़ा लें और उसने शाह लतीफ़ बटाई का जो शाजो रसालो है वो पढ़ा हुआ हो तो समझो कि काफ़ी है, वो तालीम याफ्ता है। इधर पंजाब में भी यही बात थी कि कहा जाता था कि बच्ची ने अगर कुरान पाक पढ़ा हुआ है और दूसरा उसने सैयद वारिस शाह की हीर वारिस शाह अगर पढ़ ली है तो मतलब ये वो का तालीम याफ्ता है। ठीक है, तो समझो कि वो हीर वारिस शाह एक रोमानवी किस्सा जरूर था मगर वारिस शाह ने रोमानवी किस्से को एक अलामत के तौर पर, टूल के तौर पर यूज़ किया था। बट उसने भी, वारिस शाह ने भी इंसान खुदा और अपने मजहब यानी इस्लाम के साथ सिलसिला जोड़े रखा था इंसान का। बिल्कुल, तो मतलब हर तरह से सूफीज्म हमारी जिंदगियों पर इम्पैक्ट करता है। देखो, सिखी मजहब जो है उनकी जो अलहमी, उनकी अपनी किताब जो है गुरु ग्रंथ साहब, ये बनाई गई है, मुश्तमिल है बाबा फरीद गंजचक्र के श्लोक के ऊपर। अच्छा, इसको मैं सादा जुबान में ये कहूँगी कि बाबा फरीद गंजचक्र की जो शायरी है, सूफी शायरी जो है, उसके ऊपर मुश्तमिल है उनकी किताब। तो देखो, इस्लाम ही सोर्स बना ना, इंस्पिरेशन भी बना और हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, हर चीज डोमिनेट करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सूफी जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है, बड़ी अवेयरनेस भी फैल रही है आजकल, यंग जो हमारी यूथ है उसे भी सूफीज्म के बारे में बहुत मालूमात हासिल होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट सब आ गए हैं और आर्ट से रिलेटेड चीजों को बड़ा जोड़ा जाता है हमारे सूफीज्म से और हिस्ट्री को जोड़ा जाता है, तो कितना अच्छा एक फील आती है कि आपने तो खैर पढ़ा है उस बारे में लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो सूफीज्म को भी समझ रही है, सूफी कलाम हो गए, मुख्तलिफ सूफियों के हवाले से जो है उनको पढ़ना, उनके ऊपर रिसर्चेस करना, बड़ा मैंने देखा ये चीज इन हो गई है। मैं समझती हूँ कि बेगम साहबा ने, बीबी बुशरा बेगम साहबा ने जहाँ ये कदम उठाया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज्म का क़याम अमल में लेके आई है तो वहाँ ज़रूरत ही समर की है मेरी, बल्कि इसी आपके तवसुत से, आपके इस प्रोग्राम के तवसुत से उनसे ये गुजारिश भी होगी कि पाकिस्तान के सिलेबस में जो उर्दू या हमारी लैंग्वेजेस का सिलेबस है उसमें तमाम सूफिया का एक छोटा छोटा पोर्शन जो है वो शामिल कर दिया जाए ताकि हम सिर्फ कलाम गाने के लिए इस्तेमाल ना करें, हम समझने के लिए और अपने निसाब में शामिल करवा दिया जाए तो हम बाकायदा उसको पढ़ें और उस कलाम की नौयत का अंदाजा लगाएं और हमें तारुफ हो सके तमाम सूबों के तमाम सूफिया से, एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्टरी हमारा एक सिलेबस उसमें शामिल कर लिया जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो जहाँ मीर तकी मीर पढ़ रहे हैं, गालिब पढ़ रहे हैं, दूसरे शोरा पढ़ रहे हैं, अलामा इकबाल को भी पढ़ा जाए और तमाम सूफिया के भी छोटे छोटे कलाम का एक पोर्शन जो है अलामती तौर पे वो शामिल कर लिया जाए तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता और बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हमारा रहा और वाकई जितना खूबसूरत हमारा सूफीज्म है हम उसको उस नजरिए से देख नहीं पाते लेकिन अब जरूरत है इस चीज को और देखिये जी नींव तो रख दी गई है, अब आगे लोग इसको और अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे और पता चलेगा कि जी हमारा कितना रिच कल्चर है सूफीज्म का। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन।